जैसे सामान्य खनिज संस्कार द्वारा धातु और उपकरणों में बदल जाते हैं, इसी प्रकार चेतना के संस्कार से मनुष्य में देवत्व विकसित हो जाता है। इन दिनों हम मनुष्य को सुख साधन संपन्न बनाने की बात तो सोच रहे हैं, लेकिन सुसंस्कार के विकास को भूल रहे हैं। साधनों के विकास के साथ कलह और युद्ध बढ़ने से रोकना है, बर्बादी से बचना है, उज्जवल भविष्य तक पहुंचना है, तो मनुष्य को संस्कारित बनाने की कला पर फिर से ध्यान देना होगा। मेरा नाम शिवम है और यह मेरा बेटा युवराज है। हाँ डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम विकी है, परंतु मेरा असली नाम विकास है, क्योंकि मेरे डैड ने रखा था सो ओल्ड फैशन नेम, इसलिए मैंने अपना नाम बदल कर विकी रख लिया। ये मेरा बेटा लकी है, इसका भी नाम इसके दादा ने लखन रखा था, वही ओल्ड फैशन नेम, सो आई हैव चेंज्ड हिज नेम, इसलिए मैंने बदल दिया। भाइयों, मैं गायत्री बन गई हूँ। हमारे कुछ गुंडे जी ने कहा था कि अपने बच्चों को पैसे मत दो, इसकी जगह उन्हें अच्छे संस्कार दो, क्योंकि संस्कार ही आगे चलकर परिवार, समाज और देश के काम आते हैं। इसीलिए मैं अपने बेटे को रोज शाम 7:30 बजे तक भजन के लिए और प्रति रविवार गायत्री शक्तिपीठ देवास में संचालित बाल संस्कार साधन भेजता हूँ। इससे मेरे बेटे में बहुत से परिवर्तन आए हैं। तू अभी बोल रहा था तेरे बच्चे को कहाँ भेजता है? गायत्री मंदिर? क्या बकवास करता है? मंदिर मंदिर भेजने से बच्चों को कोई फायदा नहीं, क्यों उसका टाइम बर्बाद करता है? पढ़ेगा लिखेगा तो अच्छी नौकरी मिलेगी, पढ़ी लिखी वाइफ मिलेगी, यू नो। हाँ हाँ भाई साहब, मैं भी जानता हूँ पढ़ाई के महत्व को, परंतु इससे कोई भी बालक या बालिका पढ़ाई में कमजोर नहीं होते, और तो और हर काम लगा कर करने लगते हैं। इसमें मेरे बेटे का ही उदाहरण ले लीजिए, पहले ये भी पढ़ाई में बहुत कमजोर था, लेकिन अब हर काम मन लगा कर करने लगा है, अपना होमवर्क समय पे करता है और टेस्ट में भी अच्छे नंबर ला रहा है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? मेरा सन भी टेस्ट में बहुत अच्छे नंबर लाता है, यू नो। और तो और भाई साहब, यह प्रातः जल्दी उठने लगा है और अपनी माता के और मेरे चरण स्पर्श करता है, वह धरती माता को प्रणाम करता है। ऐसी बहुत सी अच्छी आदतें इसके व्यवहार में आने लगी है। ओ, क्या बकवास करता है? क्या कभी इन बातों से किसी का पेट भरता है? आज सबसे बड़ी बात पैसा है, पैसा मनी मनी, यू नो। अब देखते हैं 15 साल बाद क्या होता है। Yeah.
प्रणाम भाइयों, आज आप लोगों के आशीर्वाद से और परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से मेरा बेटा एक डॉक्टर बन चुका है और गांव में जाकर कम से कम फीस में गरीबों की सेवा करता है। हाय, पहचाना मुझे? आई एम विकी एंड आई एम लकी। ओह, क्या कर किसी की बात करता है बेवकूफ कहीं का। देख, आज मेरा बेटा बहुत बड़ा इंजीनियर बन चुका है। हमारे पास करोड़ों का बैंक बैलेंस है। तेरे पास क्या है? मेरे पास मेरे बेटे के संस्कार है और परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद है। संस्कार और आशीर्वाद? अभी भी समय है ब्रदर, अभी भी समय है। ये सब किताबी बातें हैं, यू नो। देखते हैं 25 वर्ष बाद दोनों परिवारों का क्या है। पहचाना मुझे? मैं युवराज हूँ। आज मेरे पिताजी के आशीर्वाद से मैं और मेरे पिताजी राष्ट्रपति सम्मान लेने जा रहे हैं। ये परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद और आप लोगों की शुभकामनाओं से ही हो पाया है कि हम इसके योग्य बन पाए। अरे भाई लक्की, कैसे हो? मैं तो अच्छा ही हूँ, पर तुम्हारे पिताजी कहीं दिखाई दे नहीं रहे। वो क्या है कि मेरी वाइफ को ओल्ड मैन पसंद नहीं, इसलिए मैंने उन्हें ओल्ड हाउस में तुम्हारी यात्री को क्या कहते हैं वृद्धाश्रम, हाँ वही वही वृद्धाश्रम भेज दिया। वहाँ उनके जैसे कई दोस्त मिल जाएंगे और उनका टाइम भी पास हो जाएगा। यह सब छोड़ो, मैंने सुना है कि तुम्हें राष्ट्रपति पुरस्कार मिलने जा रहा है। जी आपने सही सुना है। इससे क्या तेरे सारे जरूरतें पूरी हो जाएंगी, इसलिए मैं कहता हूँ ब्रदर, पैसा कमा पैसा मनी मनी। ओह, ये क्या है? ओह माय गॉड, इनकम टैक्स की रेट बढ़ गई है। भागो भागो भागो। सुनो, तुम पैसा मैंने आपके और आपके सामाजिक कार्यों के बारे में बहुत सुना है। मैंने सुना है कि आपको राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिलने वाला है। मैं आपको सैल्यूट करता हूँ। अरे भाई, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। ये तो मेरे माता पिता और परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद है कि मैं इसके योग्य बन पाया और ये सेवा कर पा रहा हूँ। ईश्वर ने मुझे तुझ जैसी संतान दी, मुझे नाज है बेटा तुम पर। भाइयों और बहनों, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप भी अपने बच्चों को पैसों की अपेक्षा में संस्कार दीजिए, क्योंकि संस्कार ही आगे चलकर काम आते हैं, जैसा कि आप लोगों ने देखा। बेटा, जरा वो संस्कार वाला गाना तो सुनाना। जी पिताजी। भारत रहा महान
संस्कारों की गरिमा से, संस्कारों की गरिमा से भारत रत्नों की खान। मेरे साथ आप भी बोलिए।